हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ITI एजुकेशन। आप सभी को पता होगा UPSC TG2 का एग्जामिनेशन कल से स्टार्ट होने जा रहा है। आप सभी को इसके लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से एग्जामिनेशन दीजिएगा। आप लोगों को मैं चाहूँगा जल्द से जल्द आप लोग को इसमें सिलेक्शन मिल जाए। और मैं आज बात करूँगा इस वीडियो में कि इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो एडमिट कार्ड में लिखा गया है, और आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो कोई भी दिक्कत ना हो तो इसके लिए आपको वीडियो को वॉच करना होगा अंत तक। तो देख पा रहे होंगे मैंने अभी एक कैंडिडेट का एडमिट कार्ड खोल कर रखा हूँ। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे एडमिट कार्ड फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CVT, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट नंबर है और टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल। यहाँ पे UPPCL का लोगो लगा हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, और यहाँ पे लिखा गया उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। चलिए मैं नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ, उसके बाद मैं दिखा देता हूँ। तो देख पा रहे होंगे यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल दिया गया है, और यहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है, और आपका जो टाइम ऑफ एग्जामिनेशन दिया गया है, उसके बाद आपका जो गेट क्लोज हो जाएगा वो टाइम दिया गया है। तो देखिए, पहला चीज़ तो आप लोग को क्या करना है कि जो आपका जो हॉल टिकट है, ये वाला जो PDF है, इसको आपको कलर में आप लोग को प्रिंट निकलवाना है। ब्लैक एंड व्हाइट में भी निकलवा सकते हैं, लेकिन बेटर रहेगा कि आप कलर में निकलवाइए तो सही रहेगा। तो कलर में प्रिंट आउट निकलवा देना है। और यहाँ पर आपको क्या करना है कि जब आप एग्जामिनेशन देने जाइएगा तो इन सभी में से एक आप ओरिजिनल ID कार्ड लेके जाइएगा। कौन कौन सा चीज़ में से? वोटर ID कार्ड, या आपका ड्राइविंग लाइसेंस, या पैन कार्ड, या पासपोर्ट, या आधार कार्ड। इन सभी में से कोई एक आप लेकर जाते हैं तो आपका एंट्री हो जाएगा, ठीक है। एटलीस्ट वन, अगर एक दो है तो वो भी रख सकते हैं, वो आपके लिए बेटर रहेगा। और आपको दो पासपोर्ट साइज फ़ोटो आप लोग को ले जाना है, और जो एडमिट कार्ड आप प्रिंट करवाइएगा वहाँ पे एक चिपकाने के लिए रहेगा, उसमें चिपका दीजिएगा। जो अपलोड किए होंगे वो अपलोड कर दीजिए, चिपका दीजिएगा। और दो एक्स्ट्रा आप लोग लेके जाइएगा एग्जामिनेशन देने के लिए। ये होगी आप लोग के एडमिट कार्ड से रिगार्डिंग। और यहाँ पे कुछ कोरोना की वजह से जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, मास्क लगा के जाना है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। और यहाँ पर दिया गया है कि आप लोग का टोटल 3 आवर का पेपर होगा, उसके बाद आप लोग का यहाँ पर निगेटिव मार्किंग 1 रहेगा, और सॉरी 1 नहीं 0.25, यानी कि 1/4, और एक सही उत्तर के लिए 1 मार्क आप लोग को दिया जाएगा यहाँ पे। और देख पा रहे होंगे यहाँ पे और कुछ खास है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म्स नीचे में दिया गया है, तो वो आप लोग को डाउनलोड कर लेना है, मतलब प्रिंट निकलवा लीजिएगा। ये जो सेल्फ डिक्लेरेशन वाला है, अगर वहाँ प्रोवाइड नहीं कराया जाता है तो आप लोग ये डाउनलोड कर लीजिएगा, और ले जा करके वहाँ उस समय अगर कैंडिडेट भरते हैं तो आप फॉर्म को भर दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें और कुछ खास है नहीं। एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप लोग को जो मैं बताया, आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसमें से कोई एक रख के जाना है। और आप लोग को यहाँ पे निगेटिव मार्किंग के बारे में दिया गया है, और टाइमिंग से पहले पहुँचना है आप लोग को। टाइम से ज़्यादा लेट नहीं कीजिएगा, जितना टाइम दिया गया है वो टाइम पर आप लोग को पहुँच जाना है, ठीक है। तो ये था आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि निगेटिव मार्किंग नहीं लेने के लिए, और जब से जितना क्वेश्चन बनता है उतना ही क्वेश्चन बनाइए, निगेटिव मार्किंग आप नहीं लीजिए, ठीक है। अगर कंप्यूटर में जो आप लोग को 20 नंबर लाना रहता है, तो आप लोग अगर मान लेते हैं कि 10 ही बना या 15 ही बना क्योंकि क्वेश्चन हार्ड था, तो छोड़ दीजिए, उतने पे छोड़ दीजिए। नॉर्मलाइजेशन ना होगा आपका मार्क्स बढ़ जाएगा, लेकिन आप निगेटिव ले लीजिएगा तो आपका कम ही हो जाएगा, तो वो आपको पास नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग को तैयारी करना है, मतलब कि एग्ज़ाम जाकर देना है, और इस तरह आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो पहले क्वेश्चन बनता है पहले उसको बनाइए, और टाइम मत स्पेंड कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन लगता है कि इतना नहीं बन पा रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, नेक्स्ट पे चले जाइए, और निगेटिव नहीं लीजिएगा। और मैं फिर से आप लोग को बधाई दूंगा आपको एग्जामिनेशन के लिए 19 तारीख वाले में। तो मिलूंगा नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।